कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दक्षिण कन्नड़ जिले से 5 बार के विधायक यूटी खादर को बुधवार को सर्वसम्मति से कर्नाटक विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। खादर कर्नाटक विधानमंडल के इतिहास में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, विपक्षी दल के नेता बसवराज बोमई और उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार खादर के साथ अध्यक्ष की पीठ तक गए। 53 साल के खादर का नाम मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तावित किया गया था। बीजेपी और जद ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा था, इसलिए उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। इस मौके पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि आपके पिता एक विधायक थे और आपने सदन में सदना वीरा पुरस्कार जीता था। हम सभी जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे विधायक हैं। स्पीकर की सीट पर बैठने वाले लोगों को पार्टी लाइन से हटकर काम करना चाहिए। विधानसभा में वरिष्ठ के साथ साथ युवा विधायक भी हैं। खादर को बधाई देते हुए पूर्व सीएम बसवराज बोमई ने कहा कि आपके पास 20 साल का अनुभव है और आपने विधायक और मंत्री के रूप में काम किया है। आपने कभी धैर्य नहीं खोया है। आप विपक्षी दल के उपनेता रहे हैं, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया है, इसे ख्याति दिलाई। आपको बता दें कि खादर एक मृदुभाषी राजनेता हैं, जो मंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार चुने गए हैं। उन्होंने 2013 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने राज्य विधानसभा में विपक्षी दल के उपनेता के रूप में भी काम किया। खादर ने श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर कॉलेज यहां से LLB किया हुआ है। उनको बाइकिंग और कार रेसिंग का शौक है। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। एक खेल प्रेमी खादर जुनून के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और टेनिस खेलते हैं। वो 1990 में NSUI के जिला महासचिव थे और उन्होंने 1994 से 1999 के बीच दक्षिण कन्नड़ जिला अध्यक्ष के रूप में NSUI की सेवा की। 1999 से 2001 तक खादर ने NSUI में राज्य उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। वो 2008 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। उन्होंने 2008 में अपने पिता की मौत के बाद खाली हुई सीट का प्रतिनिधित्व किया और आज तक वो अपराजित हैं। 2008 से 2013 के कार्यकाल में विधायक के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सदाना वीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए शाइनिंग इंडिया पुरस्कार भी दिया गया है। सिद्धारमैया सरकार के तहत स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गुटखे पर प्रतिबंध लगाया था। तालुक के सरकारी अस्पतालों में बाइक एम्बुलेंस, डायलिसिस इकाइयां शुरू की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का पुरस्कार भी मिला। उन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में राशन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए भी जाना जाता है।